रहमान रहीम लम्हा फिक्रिया सोचने का लम्हा। मुश्ताक अहमद सदीक़ी का ये सबक है। वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। मालामाल का मतलब माना है लबरीज़ किया है, भर दिया है अल्लाह रब्बुल अतले। लेकिन रोज़ बढ़ती हुई आलूदगी और आबादी ने इसकी तरक्की में रुकावटें डाली है। किसी भी मुल्क के माशरे में आबादी और वसाइल के दरमियान खसूसन खुराक की वसाइल इस दबाव का बायस बन जाते हैं जिसके नतीजे में अमूमन मेयारी ज़िंदगी में कमी वाकई होती है। इस कमी और दबाव को दूर करने के लिए बिलआखिर इंग्लिस्तान के मशहूर मईशतदान थॉमस मार्थस ने नज़रिया आबादी पेश किया जिसका ताल्लुक आबादी में कमी से है। यानी इसका जो नज़रिया पेश किया कि आबादी जो बढ़ती हुई आबादी है इसको कम किस तरह किया जाए। हालिया दहाइयों के दौरान में कई तरक्की पजीर ममालिक जिनमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है अफराती आबादी का शिकार है। अफराद आबादी में इजाफा इसका शिकार है कि साल साल इसमें आबादी बढ़ते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मकदार में। इन ममालिक में हर साल आबादी के दबाव में जो इजाफा हो रहा है वह सारी दुनिया के 50 छोटी ममालिक की कुल आबादी से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन ममालिक की तरक्की की रफ़्तार मुतासर हो रही है। इनके पैदावार फीकस आमदनी सरमायाकारी और बचत भी मुतासर होती जा रही है जिससे आवाम रोज़ अफजो आए दिन यानी रोज़ अफजो का कहते हैं आए दिन इजाफे का शिकार। रोज़ अफजो महंगाई यानी आए दिन जो महंगाई है इसके शरह में इजाफा होता है कि आए रोज़ जिससे आवाम रोज़ अफजो महंगाई के मसाइब यानी रोज़ अफजो महंगाई का मतलब है कि आए दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है के मसायब में गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं। आबादी के दबाव की दो किस्में हैं, एक वो ममालिक जहाँ आबादी का दबाव कम है और दूसरे इन ममालिक की जहाँ आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है। आबादी के दबाव की अकसाम हर मुल्क की शराब पैदाइश के को मद्दनज़र रखकर मुतायन की जाती है। जिन ममालिक में आबादी का दबाव कम है वहाँ अमूमन शादियाँ ज़्यादा उम्र में की जाती है जिसकी वजह से आबादी के दबाव में इजाफा नहीं होता। लेकिन जिन ममालिक में शादियाँ कम उम्र में कर दी जाती है वहाँ आबादी के दबाव में बेतहाशा इजाफा हो जाता है बहुत ज़्यादा। इस वक्त वतन अज़ीम को भी यही मसला दरपेश है और इसकी आबादी में 73% सालाना शरह से इजाफा होता जा रहा है जो किसी भी हमसाया मुल्क से भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे आस पास मुल्क मालिक है इससे भी ज़्यादा है। अगर इसमें कमी न की गई तो आइंदा 37 सालों में आबादी दोगुना हो जाएगी और ये 2050 तक 349 मिलियन तक पहुँच जाएगी पाकिस्तान में आबादी की शरह। जबकि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के औसत शरह आबादी 0.1% है। वतन अज़ीज़ की आबादी का इस तरह बढ़ना और इसके दबाव में इजाफा होना एक ऐसा लम्हे फिक्रिया है कि जिससे आगाही हर जिम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ है। इस दबाव की कमी मुल्क और इंफरादी सतह पर कोशिश वक्त की अहम ज़रूरत है। तख्लीक आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद नस्ल इंसानी तेज़ी से फैलने शुरू हुए और सैकड़ों से लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों तक जा पहुंची है। आगाज़ में इसमें इजाफे की रफ़्तार कम थी लेकिन गुज़श्ता 2-3 सदियों के दौरान इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। इस तरह ज़रूरियाती ज़िंदगी में भी इजाफा हुआ और रिहाइश व खुराक के मसाइल ने जन्म लिया। लामहाला इन ज़रूरी तौर पर कुदरती वसाइल पर भी बोझ बढ़ गया। दरख्तों के बेतहाशा कटाव से जंगल सुकड़ गए यानी जंगल ख़त्म हो गए। यानी कस्बों और शहरों पर बढ़ती हुई आबादी के दबाव से ज़रख़ेज़ ज़रूरी ज़मीनों पर मकानात कारखाने और फैक्ट्रियाँ बन गई। इसी तरह ज़रूरी ज़मीन की कमी ने वतन अज़ीज़ को मज़ीद वसाइल की कमी का शिकार बना दिया है। शहरी आबादों का इस्तेमाल शुद्धा गंदा पानी कारखानों फैक्ट्री और गाड़ियों के धुएँ और हर तरफ फैल जाने वाली गंदगी की बहतात कितने ज़्यादा थी। वह कसरत ने आबी फिजाई पानी वाली मसाइल आबी फिजाई और ज़मीन आलूगी में इजाफा किया है। यानी सब पानी भी गंदा फिजा भी और इसी तरह ज़मीन में भी आलूगी फैल गई। इसी तरह वतन अज़ीज़ में जहाँ हर तरफ आलूगी ने डेरे डाले हैं अपना पड़ाव डाले हैं हर तरफ डेरे डाले वहाँ बढ़ती हुई आबादी का बोझ भी हमारे कुदरती वसाइल बर्दाश्त न कर सके और हमें वसाइल की किल्लत का सामना करना पड़ा। इसी बिना पर पूरी दुनिया में बढ़ती हुई आलूदगी और आबादी के पेश नज़र पूरी दुनिया के माहिरीन माशियात मनसूबा साज और माहौल का तहफ़ चाहने वाले फ़िक्रमंद है और वो सब वसाइल और जुजात में तवाज़ुन कायम करने पर ज़ोर देते हैं ताकि पूरे नौ इंसानी इंसानों की जो किस्म है कि मेयार ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। ये इस वक्त मुमकिन है जब हम अपनी बढ़ती हुई आलूदगी और आबादी के बारे में फ़िक्रमंद होंगे।
वतनाजिज़ नबी इसी तरह की पेचीदा हालात से दोचार है जिसके बायस तरक्की की रफ्तार सुस्त से सुस्तर होती जा रही है, जिससे आवाम के मियार ज़िंदगी को बुलंद करने में मुश्किलात दरपेश है। किसी भी मुल्क के आवाम के मियार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए खुराक, रिहाइश, तालीम, तबी सहूलत और दीगर अशिया का मुनासिब मकदार में मैसर होना ज़रूरी होता है। कौमी नज़र से बेहतर ज़िंदगी के लिए कौम के हर फर्द को इसकी ज़रूरियात और सहूलियात का मैसर होना नागुज़ीर है, यानी ज़रूरी है। जितने कम अफराद को ये सहूलियात मैसर होगी, इस कौम का मियार ज़िंदगी इतना ही कम होगा, जिसका एक बड़ा सबब सरकारी और निजी यानी ज़ाती सतह पर मनसूबाबंदी का फ़ुकदान है। अगर ज़िंदगी के हर शोबे में सरकारी और निजी सतह पर यानी ज़ाती सतह पर मनसूबाबंदी से काम लिया जाए तो इन दरपेश मसाइल में खातिर ख्वाह कमी की जा सकती है, आवाम की मियार ज़िंदगी को बुलंद किया जा सकता है और वतन अज़ीज़ को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है, यानी तरक्की की राह पर चलाया जा सकता है। जो ये खो है लहर में पर कोई शीरी नहीं, हर कोई फरहाद है मुफलिसी के दहर में। दहर कहते हैं ज़माने को, जो खो कहते हैं, जो खो का माना है यानी खून की नदी, और शीरी कहते हैं मीठा को, और फरहाद का माना भी यहाँ पे मीठा लिया जाए, और शीरी फरहाद जो शीरी का आशिक था इसको भी फरहाद से किनाया किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वही फरहाद और वही माना मुराद नहीं है। यहाँ पर मुसन्निफ ने जो इस मकसद के लिए शेर को लाया वाजह है। मियार ज़िंदगी का ताल्लुक मादी अशिया और सहूलियात के हुसूल के साथ साथ इसकी समाजी माहौल और ज़हनी कैफियत से भी है। मसलन तालीम और इसकी शरह ख्वानदगी यानी पढ़ाई, ख्वानदगी कहते हैं पढ़ाई का शरह, पढ़ाई की शरह, सेहत और हिफ्जान सेहत के उसूल पर अमल, जमहूरी अकदार, आज़ादी इजहार यानी बोलने का, आज़ादी इजहार कहते हैं बोलने हर एक के बोलने का और अपनी ओपिनियन पेश करने का, अपनी राय पेश करने का आज़ादी इजहार हो, आज़ाद बोल सकता हो। समाज में खवातीन का मकाम, तरक्की के अक्सर मौके, कानून की पासदारी यानी पासदारी का मतलब कानून के ख्याल रखना, और कुतुबीनी की शरह, वाह कुतुबीनी जो आजकल ये एक रोग भी है, मर्ज़ भी है, जो भी कुतुबीनी का आशक बन जाते हैं फिर वो इसको छोड़ नहीं सकता, और बाज़ लोग तो कुतुबीनी नहीं कुतुबदूरी का शिकार है कि किताब के मुँह देखने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता। मियारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ममित व मुआविन साबित होते हैं मददगार। बेहतर मियारी ज़िंदगी हर फर्द का बुनियादी हक है, नबादी और वसायल में आदमी तवाज़ुन इस हक़ को मुतासर करता है। इससे मोहब्बत, एहतराम, दरमंदी और रवादारी की जगह खुदगर्ज़ी, रवादारी एक दूसरे के साथ रवादारी करना और एक दूसरे का ख्याल रखना की जगह खुदगर्ज़ी, अबतरी यानी नीचापन यानी जवाल, बेतमिनान और इंतशार फैलता है। जराइम में इजाफा हो जाता है और समाजी आदमी तवाज़ुन जन्म लेता है, जिससे समाजी बुनियादी खोखली हो जाती है यानी अंदर से खोखली हो जाती है। बेरोजगारी की शरह में भी बेहद इजाफा हो जाता है। ज़रूरत इस अमर के है कि इंसान खुद इतमाद और खुद एतदारी से काम ले और तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करे, ताकि सरमायाकारी के राह ही हमवार हों, आवाम के रोज़गार और मादन में इजाफा हो और गुरबत और इफलास में कमी वाक़ हो। हमारा समाजी निज़ाम तारीखी, जोग्राफिया और नज़रियाती अवामिल के ज़ेर असर तश्कील पाता है, जिसमें हमारे मजहबी अकदार सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया व आखिरत पर ईमान, सदाकत, बुजुर्गों का एहतराम, वालिदैन, रिश्तेदार और पड़ोसियों के हकूक, इज़दिवाजी ज़िंदगी में वफादारी, समाजी इंसाफ क्या इंसान, ऐसी इस्लामी अकदार है जिन पर चलकर हम अपने बहुत से मसाइल में हौसला अफजा कमी ला सकते हैं। अस्सलाम।